अरे सुनो, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी। मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बर्बीटा, कोई और सोचती थी पांडव। ओए पागल हो गया पाजी, सो रहा हूँ मैं। ओ बीरे, अंकल का काला चश्मा घूम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूँ, तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूँ गुन्ने। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूँ, तूने मुझे उठाया तो तू जा। बस कर रहा था, चला मदद करा त्यांना, दोघा मिळून शोधा त्यांचा चश्मा। चला ते बिन्ने मदले इन कुंडो लिस चलियो इले रेंडे रे पेंदा वेंडे। आपने अंकल का गॉगल देखा है? घूम गया है। हां, नया मॉडल ഒരു പഴയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് അല്ലേ? അമിജോട് ഞങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലത്തെ പുതിയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആശാനെ, ആശാന്റെ കുറെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ? ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നോക്ക്. എന്ത് ഗ്ലാസ് വേണം? ഇതാ. ഇല്ല ഇതാ. ये चीटिंग हुआ ना, जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अंकल जी, भाई भाई, अंकल जी, ये टक कटड़ो, तलपी रूपो कल दो, एंगा वाली। वो काला चचबा नहीं मिल रहा, बाथरूम में तो नहीं आया? अरे ये बाथरूम लोग नीले रावट ले दो, इनका कल जोड़े कहीं दोस्त होंगे। मामा, अंकल जी के काले चश्मे हो गए, देखा आपने? ऑलरेडी कल जोड़े थे, नाने नोट ले, ब्रो, वो दिल्ली उड़ को, हमें नाथ नोट देने, हाँ? সো মুজি মামা কেমন আছে আজ? আরে ছেলে দুটো তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে, একজন এসে একটা প্রশ্ন করছে, পরের জন এসে সেই একই প্রশ্ন করছে। আপনি কি সানগ্লাসটা কোথাও দেখেছেন? জানো ছিল কണ്ടില്ല, 5 মিনিট পর আদিকে ওখানে ഉണ്ടായി, এখন তো বসে চা খাচ্ছিল এখানে। ആ সানগ্লাসে সে ഇവിടെ ഇടിക്കാം ഇനി ആ കണ്ണാടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ കണ്ണാടി? ഹലോ, मुझे बार बार फोन क्यों करता है? वो अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा है कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने ये ले। तुम्हारा यार ये मछली मैं दे देता हूँ। तुम छोड़ो, मैं दे दूंगी। अरे भाभी ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए। थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं, कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है, हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। So don't be scared, don't panic, be safe. This too shall pass. Tal jayega ye sankat ka samay. Dhanyawad. Namaskar.